गाइस हमने कर लिया है लाखों रुपए की शॉपिंग सिस्टर के चाले के लिए। मैं जल्दी रहूँ जल्दी रहूँ। हमें चावल का कट्टा 50 किलो का चाहिए, ये 5। तो हमने इतनी सारी मैगी खरीद ली है यहाँ पर। एक ब्रश लेता है यू करके घर 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 सिस्टर के चाले के लिए शॉपिंग करने। अभी लेकर आया था मैं आज खाने के लिए जीभ, और मैं अभी यहाँ पर खड़ा था पानी दे रहा था, और यहाँ पर इतनी तेज की हो आ चुकी है, कह रही मेरा मुर्गा आ चुका है, और ये देखो सूखने के लिए बेताब हो चुकी है। उड़ जल्दी आ गए जल्दी आ गए, ये देखो ओ आओ सिस्टर, चिकन भी खिलाना पड़ेगा तुम्हारे बच्चे को, ये पूरी लगा चिकन। हम कहाँ से लाए, अभी हमें टाइम ही नहीं मिला था, आज टाइम मिला, आज मैं घर के लिए खाने को भी आया, अभी से भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही देंगे। वैसे उसका खाना रखा पड़ा है, हमेशा ये खाता रहता है। ओ चोर चोर चोर, हमने पकड़ लिया। देख सिस्टर, जैसे तुमने कैमरा ऑन करा ना, मुँह कैसे फेर रहा है, देखो देखो उरो भैया। अरे भैया तुम मुर्गा मत खा करो, तुम बिल्ली हो बेटा, तुम अपना खाना खा करो। इसे खाना सारा है जमा। अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे मेरा तौलिया में गंदा से धो देना। अरे पागल हो गया। और हमें आज खाने में डिश कौन सी बनाने वाली, जो तुमने आज स्पेशल हमसे जीभ मंगाई है। मैं बनाऊं हलीम या खाली जीभ? नहीं नहीं हलीम नहीं, अम्मी थोड़ी जीभ बना लेना, सच बताऊं तो भून दूं। हां भून दो, कटर कटर खाएंगे। और अम्मी एक कमेंट आ रही है हमारी वीडियो में, भाई गाजी जाओ बकरा हंडी की वीडियो बनाना है। अभी अरमान चाहता है मैं थोड़ा वो जाऊँ, रिलैक्स कर लूँ, थोड़ी थकावट, थोड़ा मैं घूम फिराऊं जरा दिमाग को सही। हाँ भाई, क्योंकि अभी सही भाई आ रहे हैं, पता नहीं कितने तारीख की कमेंट ईद पड़ रही है, मुझे कमेंट में बता देना। 17 कंफर्म है, चलो वैसे भी यार कंफर्म नहीं, आप लोग हमें बता देना बकराईद कितने तारीख की पड़ रही है, फिर उससे मैं थोड़ा दिन पहले से आपको बकरा मंडी की अपडेट देता रहूंगा अच्छी अच्छी प्राइस में। लग रही थी बहुत तेज की भूख, मैंने अम्मी से जल्दी जल्दी रेडी करवा लिया, होटल की मंगा लिया रोटी, तो अभी बस अम्मी एक छोका लगा रही है, उसके बाद अपना खाना रेडी हो जाएगा। ये आ चुकी है जीभ गरम गरम, अम्मी तो कोर में ऐसी लग रही थी, कोर में भी होता है, बड़े दिनों के बाद अम्मी ने पकाई है, है नहीं सेम लग तो बढ़िया रही हो, मुझे भाई फेवरेट थी जीप, तो फटाफट से खा लेते हैं जीप को। मैं भी सोच रही हलीम बना दो, मगर तूने मना कर दिया। नहीं नहीं हलीम तो हम खाते रहते हैं, जीप तुमने बहुत दिनों बाद, इसलिए कुछ स्पेशल डिश होने चाहिए ना। घर का हलीम खाएगा ना उन्हें चाटा, कहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बाद में बना लेना। खाना खा लिया और आज हम जा रहे हैं सिस्टर के चाले के लिए शॉपिंग करने। कितना एक्साइटेड हो भाई लोग, अब ये बता दो, बहुत सारे सिस्टर तुम कितने एक्साइटेड हो? बहुत। अरे है हाँ, तो बताऊंगा आज क्या सिस्टर का चाला होने वाला, बहुत ही जल्दी होने वाले, तो हमें उसकी शॉपिंग करनी है फटाफट से। और कितनी सारी शॉपिंग होने वाली है, अब ये तो हम वहाँ पे जाकर दिखाएंगे तुम्हें कितनी। और ये शॉपिंग ना भाई, अम्मी मार्केट फार्केट से नहीं कर रही, अम्मी कह रही सिस्टर की शॉपिंग करूंगी मॉल से, बिल्कुल ब्रांडेड ब्रांडेड अम्मी सामान देने वाली है। मैं चाह रही हूँ लोकल सामान ही दूँ, खाने पीने का अच्छा बढ़िया सामान दो। तो सिस्टर उस खाने पीने हमें से भी थोड़ा शेयर कर दोगे गरीबों के लिए? पक्का हमारे लिए शेयर करना। ये है मेट्रो का मेरे पे कार्ड, मैं इसका दिखाता नहीं हूँ क्योंकि अम्मी का नाम, अम्मी दुपका लो दिखाना मत की, तो बस जल्दी से तो भाई चलो चलते हैं। अब्बू और रिहान लग रहे हैं माले, क्योंकि अब्बू काम करा रहे हैं, तो अब्बू रिहान के साथ हेल्प करा रहा है। फोटो भी मत दिखाओ, मेरा पुराने जमाने वाला फोटो लग रहा है। सीसा तुम नहीं बना रही आज व्लॉग अपना? मेरे ना व्लॉग आने वाला है 6 बजे, जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सिस्टर प्रमोशन के पैसे दे दो जल्दी से, अब तुम आप 20 रुपए देखो 30 में बात खत्म करो, चलो 50 में कर लो, चलो 30 में कर दो, चलो ठीक है गाइस हो गई बात डन। तो फटाफट चलते हैं, हम जा रहे हैं गड्डी के अंदर। अम्मी कह रही थी बैटरी रिक्शा में चलते हैं, मैंने कहा अगर बैटरी रिक्शा में गई, क्योंकि भाई वहां से सामान हमें इतना खरीदना है, बस वो पूरा बैटरी रिक्शा भर जाएगा, तो उसे लाएंगे 500-600 रुपए वो अपना रिक्शा वाले लेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कार में ले आऊं, अपनी डिग्गी के अंदर भरे हूं, सारा सामान लेंगे। मेरी बात डन है ना? हाँ तो गाइस चलो, अब मैं चप्पल पहन गया हूं, मैं जूते पहन लूं भाई, जूते पहन ले महंगी बात। ओ हाँ भाई, थोड़ी अमीरी वाली फीलिंग भी तो देनी है। रात को इतनी खतरनाक आंधी आई थी ना, पूरी कार सनी पड़ी। अम्मी कह रही है इतनी देर से तुझे सफा नहीं कर सकता था। अम्मी क्या करूँ यार, हल्का साधा है कार सफा करने में, मैं तो सोता हूँ बट नौकर रख लो, नौकर तो मैं खुद हूँ भाई, मुझे 50-60 रुपए दे दो, मैं कर दूंगा बताओ। नहीं मैं बाहर धुलवा के ले आऊंगा। और ये भक्का गाड़ी में जल्दी से AC चल लो खुल। ओहो बिस्मिल्लाह पूरा हो जा, सुकून अब मिला। देखो मैं शीशा तो 1 सेकंड के अंदर साफ कर लूंगा, धुलवा बाद में दूंगा, जाओ चलते जाओ चलो। ओहो हमारे मॉल ना ज्यादा दूर नहीं, हमारे सिर्फ 10-15 मिनट का रास्ता अपना मॉल पहुंच जाता है। अच्छा मैं दोपहर में यहाँ पर ना इतना ट्रैफिक मिलता था, आज तो कुछ भी नहीं, सिर्फ रेड लाइट का थोड़ा सा जाम हो रहा है। पहली बार तो नहीं वाली अकल अच्छी थी जो AC में लाया हमें दोपहर में, नहीं हम रक्से क्यों, मैं तो तुम्हें डेली कार में ले आता हूँ, बस वो अम्मी खुद ही रक्से से जाऊंगी। नहीं अब आदत पड़ गई कार, कार की आदत पड़ चुकी है ना, क्योंकि अब धूम में सिर्फ अगर ठंड होती ना एक बार ऑटो में चले जाओ, गर्मी में हर जगह कार में जाओ, पेट्रोल की कोई चिंता नहीं, हम टंकी फुल भर। और इस रात को तुम्हें बहुत खुशी होने वाली है, तुम्हारा घर चाला हो रहा है अपने, हमें सब हो रही है भाई खुशी, कल कल पता चलेगा कितनी। हाँ जब अबू बकर भाई जा रहे थे यूं करे
जब सामान दे रहे हैं अच्छी चीज दे रहे हैं तो चाला कर गया रुक गई। हाँ चलो कोई बात नहीं, हमारे झूठ में सच है। मॉल की पार्किंग ना बिल्कुल खाली पड़ी हुई, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस कारें खड़ी है सिर्फ, और हमने यहाँ पर लाके खड़ी कर दी। अबे हमने भैया एक मिनट का समझ नहीं है भाई, मैं कैमरा खोल के ब्लॉग शूट कर रहा था, बस भागने की जल्दी हो रही है। लिफ्ट देख रहे हैं, लिफ्ट देखने की चीज़ है भाई, लिफ्ट में जाने की चीज़। और यहाँ की लिफ्ट ना इतनी बड़ी है, आप पूरे 20 से 30 बंदे आराम से आएंगे। ट्रॉली भी उठा के ले चलो पहले ही। ओ अच्छा, ओ हो माई गॉड, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ जी स्टेयर से क्या हुआ, लिफ्ट से जाएंगे। देखो ब्रो ऐसा बात नहीं, जब थोड़ी अमीर वाली फिल्म ले रहे हो तो पूरी ले लीजिए। खुल तो रही है, अभी -1 में जा रहा है यार। मम्मी टेंशन क्यों खा रही हो, ये आ चुका है -1, अभी खुलने वाला है, 2 मिनट का सबर रखो। देखो यहाँ की लिफ्ट कह रहा था ना मैं कितनी बड़ी है, यहाँ के बताओ लिफ्ट अम्मी क्यों है इतनी बड़ी, क्योंकि यहाँ ना ये सामान वाले होते हैं, तो सामान जो आते हैं लोग पेड़ लोग अंदर। अब ये हो जाएगी सिमसिम इधर से बंद, और अब खुल जाएगी इधर से, जब ऊपर मॉल के अंदर हम पहुंच जाएंगे। तो चलो अरे गए तो अंदर से बाहर निकले। हाँ बताओ यहाँ से एंट्री क्यों हो रही है। अरे सही तो है, कार्ड की एंट्री तो करानी है सिस्टर। अरे वाह जी वाह। हाँ अबे एक सीट तुम्हें मेरे पीछे आओ, वरना मॉल के अंदर मुझे लग रहा है हमें यहाँ पर हमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। हाँ ले लो, चलो लो मैंने पकड़ लिया, ले लूँ। ए जाओ इतना सारा कौन खाएगा, 10-20 रुपए वाला ले लेना ना, वो मैं खा सकता हूँ टिफिन वो। अरे है पर हमारे बच्चे नहीं है सिस्टर, रख दीजिए क्योंकि नहीं नहीं हमारी अम्मी हमें खिला कर भेजे करेंगे। अच्छा गाड़ी ले आऊँ, गाड़ी तो हमने पार्किंग में खड़ी कर दी, अम्मी ट्रॉली को गाड़ी कह रही है। वाह जी वाह, हमें किसी के सामने कह भी मत देना, कोई कहेगा भाई गाड़ी नहीं है यहाँ पर अवेलेबल। लाइन लगी पड़ी है ट्रॉलियों की इतनी सारी, पर बाहर खड़े कर रखे ना उन्होंने धूम में। हमारी फ्रिज खराब हो रही है, यहीं से नई न्यू बाय कर लेते हैं ना फ्रिज। अब्बू का सरप्राइज, डिजाइन अच्छी नहीं है। अबे बढ़िया तो लग रहे हैं, ये वाली देखो उसके अंदर बर्फ कैसे जम जाएगी, और इसके अंदर ये ट्रे भी आए से गोश्त। अम्मी बब बकरा ईद की याद आ रही है, अम्मी को किया है बकरा ईद आ जाए, कैसे ही रंग खिलाएंगी कबाब खिलाएंगी, इस टाइप में अम्मी को स्वाद आ रहा है। अच्छा तो भाई लॉयली फ्रिज देख ले इसके क्या रेट होंगे, देखना रहा इसके रेट है 775 रुपए। ये वाली तो सही लग रही है, और ये वाली 28,000। ये कितनी बुरी लग रही है, तो गाँव वाली सही लग रही है। नहीं अम्मी ये नहीं, वही अच्छी लग रही है 31 में, 31 में थोड़ा डिस्काउंट भी तो मिल सकता है हमें। वो तो सिस्टर की तो बात है, सिस्टर को तो हमने ब्रांडेड सामान दिया तो ना, तो चीज़ अपनी भी वहीं से ले लेंगे। और यहाँ पर इतने सारे टीवी चल रहे हैं, और यहाँ पर मेरे व्लॉग चला दिया, और ये मशीन भी आ चुकी है, ऑटोमेटिक मशीन रखी है जितनी भी। चलो गाइस अभी आगे की साइड चलते हैं, यहाँ पर इसे क्या हो गया, कैसे चल रहा है। अब भाई मुझे ये बताओ ये चाले के अंदर सामान ज्यादा क्या क्या है अम्मी, थोड़ा सा अच्छा अम्मी को खुद नहीं पता चाले में ज्यादा क्या। अच्छा कोलगेट भी जाता है, कौन सा वाला, ये कौन सा है स्पार्किंग व्हाइट, अच्छे से दांत व्हाइट हो जाएंगे सिस्टर तुम्हारे पीले हैं क्या। ई करके दिखाओ डायमंड की तरह, ई स्माइल तो दिखी नहीं। दो ले लीजिए कबू बकर भाई के लिए, एक अपने लिए, हर चीज जितना भी सामान लेंगे ना यहाँ से दो लेंगे, ठीक है ना अम्मी। आओ भैया क्या क्या शॉपिंग कर ली तुम, इतनी सारी शॉपिंग कर लिया, मतलब मैं एक मिनट बिजी हुआ, मैं गायब नहीं हुआ, तो मुझे कुछ काम अर्जेंट काम आ चुका था, बस एक सेकंड के लिए करा था, पहली बार कराया नहीं करा। मम्मी भाई गुस्सा कर रही है सिस्टर, एक सेकंड का तुम्हें फोन नहीं है, तुम्हें सबर का फल, बस शॉपिंग कर रही है शॉपिंग करनी है शॉपिंग कर रही है। तो हम बताओ भाई इन्होंने क्या क्या खरीद लिया है। हाँ घर पे, अरे आल पास्ते नहीं वो रेड वाला खाएंगे जो, हाँ हाँ ये रहा ये रहा ये कह रहा है और ये कह रहा है। अबे सही तो है ज्यादा से ज्यादा। अम्मी कह रही है सिस्टर का चाले का सामान खरीदना है, बिल अपना बनाने लगा है। अरे ले लो ना बस, कितने ले लिया, बस दो ही लिया। चलो एक मेरा देखो अम्मी, बस एक अच्छा तीन होगा, चलो चार होगा, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा चार संगे। अम्मी कह रही है से लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अभी तो मुझे अपने लिए चॉकलेट्स भी लेनी है, और थोड़ा बहुत गिफ्ट्स और लेने हैं, लेने ना अम्मी वो भी। ये किसके लिए ले लियो, चावल है जब है तो मसाले वाले आगे ढूंढेंगे और ट्राई करते हैं यहाँ पर ये। अरे चलो ढूंढने से पता लगो तो उठा लो ना भाई, इतने देख वो भी वही है सिस्टर, वो भी वही है, अलग अलग है। चलो तो गाइस ये अब मैं बताऊँ रुको क्या क्या लिया है, जवे ले लिए, चाय की पत्ती ले लिए, पास्ता ले लिया, ये मैक्रोनी ले लिए, टिश्यू पेपर ले लिए, साबुन ले लिए, और ये कोलगेट ले लिए, ब्रश ले लिए, और ये क्या है कॉफ़ी, कॉफ़ी आ चुके, शैम्पू आ चुके हैं, और ये क्या है ये भी कॉफ़ी आ चुके, कोलिन हार्पिक बड़ी आराम से नीला टॉयलेट के लिए लाल, तो अरे वो भी तो चाहिए हमें लाल वाला। आई अम्मी तो और कौन दोगा, कोई बात अम्मी से ट्रेंड करके भेजना जी 3-4 दिन। एक ब्रश लेते हैं यू करके घर 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 देख लो भाई, मैं तो बहुत अच्छा उसे क्या बोलते हैं हस्बैंड बनूंगा सिस्टर। ओ ये बात कैसा है यार, ये हर चीज
ये ना मेरी ये लोकल वाली है, सुन तो लो भाई, सिस्टर ने हर बात पकड़ लेते, मेरी इतनी सी बात पकड़ लिया और मेरी और बात नहीं पकड़ देंगे, जो अच्छाई की करता हूँ मैं, अच्छाई वाली तो मैं पकड़ी है। ये बताना कौन सी पकड़ी है, ब्रश लेके गड़गड़ 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 पकड़ी है। चलो मैं आपको बता दूं, ओ कितनी गलत बात बोलती है सिस्टर, ये क्या चीज मेयोनीज है, नहीं यार नहीं। अम्मी आओ हम चॉकलेट के सेक्शन में चलते हैं, आओ तो मैगी दिलाता हूँ भाई, अम्मी को मैगी मैगी खानी है हमें, और जो जो सामान दिखता रहेगा ना आपको हाथों हाथ में लेता रहूंगा यहाँ से। यहाँ पर क्या हुआ, ओ ये बस बस सारी मैगी भरी, बस और डाल लो। अम्मी भाई अम्मी को देख देख कर डर लगता है जब भी मैं शॉपिंग करता हूँ, भाई देख लो हमने इतनी सारी मैगी खरीद ली है यहाँ पर, ये किसी और की ट्रॉली सही डाली है। अबे वाजी वाह, तुक्का मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ये रखे यहाँ पर चीनी का पैकेट, ये उठा लेते हैं, एक दो ये तीन, ये रामी चीनी चीनी खिलाओगे सिस्टर को, लस्सी की दुकान खुलवाओगे क्या? ये आ चुके हैं चार और ये पांच, भाई यार ये हो गए 25 किलो गई, चलो बढ़िया है। तो यहाँ सब्सक्राइबर मिले तो, अरे भाई कह रहे थे अभी आपके ब्लॉग देखा है, कौन सा वाला देखा था भाई? ये जो अभी जो मॉल से आ रहे हैं जीजू गए वहाँ। अच्छा अच्छा, अलविदा करा था, अरे वाह भाई पहचान गया, देख लो आज भी मॉल में आ चुके हैं, आपसे भी मिल गए, और इन भाई ने तो भाई फ्रूटी भी खोल दिया। हाँ भाई मोहम्मद, अरे लाओ भाई, मैं तो बताऊँ हकीकत शॉपिंग इनो की हुई है, हकीकत शॉपिंग अच्छी हुई, इन्हें फ्रूटी मिल गई ना, मामला सेट। भाई बोल तो दो कुछ एक बार, नहीं बोलना चाहते गाइस, कह दो गाइस, सर हमारी, चलो छोड़ो कोई नहीं हम शॉपिंग करते हैं। तुम है भाई साहब, अम्मी जल्दी रहो गिर जाएगा इसका, ओ पटकी दे दी। ये कौन कौन सी दाल लेंगी, खड़ा मसूल की, ये राजमा चावल वाली आ चुकी है, राजमा, अबे मम्मी क्या तुम्हें राजमा ही पकवाना है, अरे गोश्त वोश्त तो अपना है यहाँ पर, राजमा चावल खिलाओगी सिस्टर क्या? सिस्टर तुम डाइटिंग फाइटिंग करोगी क्या? हाँ अम्मी देखो भाई, अभी अम्मी ने सिस्टर के काजू बादाम जितनी भी चीजें ना सारे हम आइटम यहाँ पर डाल ले, मखाने वाले अम्मी वाले लोग ये दूसरे वाले लोग ही, अरे आगे की साइड चलते रहो, अम्मी कह रहे हैं पूरा मॉल घूमते रहो क्योंकि इतना बड़ा मॉल है ना, अभी हम घूमते रह जाएंगे और थक जाएंगे। और ये वो हैं जो तिल के वो होते हैं छोटे छोटे, ये भी बाय कर लेना, ले लेते हैं रिफाइंड, ऐसे रिफाइंड बोलते हैं क्या बोलते हैं ये रिफाइंड, अच्छा एक एक लेना, ये भी मैं 5-6 किलो तो इन्हें भी ले लो, ये 5 किलो का बहुत आ गया है, जितना भी सामान है ना सारा इसके अंदर फिराई हो जाएगा। अब नेक्स्ट किस पे जा रहे हैं, नेक्स्ट सामान आटा, मुझे कनकी दिला दो, देखो मुझे कह रही थी, अरे आइडिया हमें है तो कनकी लो, कौन सी कनकी चाहिए मुझे बताओ, छोटा वाला कुकर लिया है ना, मुझे कह रही थी भाभी हम दोनों ने इसमें खाना बना के खाए करेंगे चावल, और अबू बकर भाई को मतलब पत्ता कट दिया है, गोश्त खिला, मतलब तुम सब्जी खाओगे, उम्मू जी भी गोश्त खाएंगी, अच्छा कनकी वाले चावल हटाओ भाई, उम्मू जी ने क्या हटा, तू हटा मेरे सामने से हटा, मुझे पैक करा के लाना भाई, जो सबसे अच्छे हो सबसे महंगे हो जो सबसे फ्रेश हो वाले पैक कर देना। अम्मी कितनी अरे अम्मी मैं तो ले आओ, तुम कोई बात नहीं, हाँ हम ऐसे ले लेंगे, सिस्टर मैं बताता हूँ क्यों नहीं ला रही, पता है इधर रखा है हमारा मतलब का सामान, एक मैं कोल्ड कॉफी ले लेता हूँ और एक ये वाली बोतल ले लेता हूँ, बस मैं गाली रख के भूल आई वहाँ पे, अभी ले लो कितना है अच्छी वाला सामान इसका है, उसमें मेरा नुकसान नहीं, इसमें तुम्हारा ही है, क्योंकि वो मैं ये तीन कोल्ड ड्रिंक ले ली, और यहाँ के लिए भी ले ले, यहाँ के लिए चलो एक ही ले लेता हूँ, डार्क ये नहीं लो, चॉकलेट शेक ये वाला लो, बादाम शेक, हाँ बादाम शेक हो चुका है, चलो बस यही ले लो, बस यही ले लेता हूँ, बहुत हाँ अबू के लिए कौन सा, अबू के लिए ले लो केसर बादाम वाला, हाँ यही तो बादाम वाला, नहीं मैं अपना कुछ और लूंगी, चलो तो तुम अपने लिए ले लो, मैं कैसा बताऊं वाले, लो जी भाई इतनी सारी मैंने अपने लिए ड्रिंक बाय कर लिया, मेरा दिल कर रहा है अभी पी लूं, पर यार यहाँ पर ना अलाउड नहीं है, मैं ऐसा नहीं है, वो कहेंगे पैसे दो हाथों तो वहाँ पर बिल कटवाना पड़ेगा, यहाँ से ले लेते हैं सरसों, अबे कहाँ टकरा है, निकल ही नहीं रहा, 40 सरसों के तेल की सीसी ले रही है, हमें कह रहे थे एक ही बार में बड़े वाले ले लो, फिर इन्होंने मैडम ने बताया इनमें कुछ फायदा है, तो हमने सोचा चलो यही वाले ले लेते हैं, अच्छा ये भी चीज सही है, तो हाँ सिंगल में यहाँ पर है देसी घी भी, हमें कौन सा देसी घी चाहिए, यहाँ पर तो ब्रांड इतने सारे लगे पड़े हैं, ये है देसी घी, यो प्योर काउ घी, यार समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं अमूल का ले लिया, अमूल का ले लिया, इनके भी घीओ की पसंद है, डिमांड है इनो की अलग अलग है, और एक ट्रॉली ना हम तीन जने खेते हैं क्योंकि हमसे ना अकेले से नहीं खींचना है, इसमें सामान ना बहुत सारा लोड हो चुका है, हमें चावल का कट्टा 50 किलो का चाहिए, 10 किलो का चाहिए, 5 किलो, अरे भैया लो वहाँ पर चावल लो, मैडम को बुला लिया, कौन सा चावल बिल्कुल बेस्ट है और जो खाने में अच्छा, सिस्टर तुम्हें कौन सा चावल अच्छे लगते हैं, बासमती ओनली वही अच्छे लगते हैं, चलो ठीक है, अरे पक्कल नहीं कच्चा ले लो ना, अबू कच्चे ही कहते हैं ज्यादातर, तो फिर यार बाय कर लो सर, वैसे तुम्हें नमक लेने की ना कोई जरूरत नहीं है, अरे नमक तो अम्मी हमारे घर पे है क्या, हमारा
तो हमारा तो वो भी तो उससे क्या है इतना, क्योंकि भाई सिस्टर की शादी हुई तो 300 नमक बचा था, तो 2-3 थैलियां, 2-3 थैलियां चलो कोई नहीं। अम्मी कहनी सिस्टर को बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, सिस्टर बताओ आशीर्वाद लोगी और कोई सा आटा लोगी, जल्दी आओ यार ये अरे भैया नमक ही नमक लेने में घंटा लगाओगे, जल्दी आओ आटा लेने को कह दिया मुझसे, और पता नहीं कौन सा इतना सारा, अरे भैया अम्मी तुम ये बॉडी गार्ड बना के लाइयो, मैं बताऊ सिस्टर इतना सारा है, ओ मैं तो फेफड़े फूल गए, अगर तुम दोनों आते कैसे सोच कर दो, हम आते ही नहीं, अच्छा अकेला आती नहीं मतलब कि नहीं, हम पता क्या करते हैं, तुम ये नौकर बना के लाइयो, अब पता लग गई, अब देखना कोई बात नहीं, मेरे पे ना इस चीज का एक सोल्यूशन है, तुम मैं नौकर कह रहे हो ना, अभी नौकर तुम्हारा भी बिल बनाएगा, भी और ज्यादा सामान लूंगा मैं, भाई टायर खराब है तो सो मुझे पीछे आगे की साइड से चलानी पड़ रही है, और ये लेता हूँ भाई यहाँ पर अपनी फेवरेट्स वाली चॉकलेट्स, भाई यार सारे ने यहाँ पर डब्बे डब्बे में डब्बे वाले मुझे चाहिए, मुझे चाहिए सिंगल के अंदर ये वाला डब्बा, वो ना ये तो बहुत मारेंगे हमें, बहुत महंगे चाहिए, क्या अड़ाई लूँ, चलो ये रख ही लेता हूँ भाई, छोड़ो क्या रखना, मेरे को ठस्से में अड़ा दूंगा, पता ही नहीं लगेगा मैं कि मैंने डब्बे ले लिया, सर जो हमने तुम्हें प्रेस वाला दिया था ना यहाँ पर भी मिल रहा है सेम टू सेम ऐसा ही था कपड़े वाला, तुमने अभी तक प्रेस करी नहीं, क्या कह रही है घर पर तो रुकी नहीं हूँ मैं सही से, अब प्रेस पहले कर लूँगी, अब क्या साबुन कहा तुमने, साबुन कहाँ है, अच्छा ये रखा, ये मैं सोचता हूँ ये किसके रखे हैं, जैसे अबे यार एक तो बड़ी मुश्किल हो रही है, अम्मी मुझसे नहीं उठ पा रहा है, और वो मुझसे कह रहे थे बड़े वाले ट्रॉली ले लो आप, अच्छा। मैंने क्या इतनी देर में सामान कैसे पलट दूंगा मैं अंकल, वो कह रहा ओ यार यहाँ पर छोटा छोटा पोपट होता यार है इसके अंदर ना, जूना भी है, अच्छा अरे बस 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 सीक्रेट, अब मेरा पहले बता दिया सिस्टर, अगर तुम्हें पता ना लगे ना, अभी इसके साथ ना हर इसके साथ बॉक्स है, बॉक्स है और बॉक्स के साथ जूना फ्री मिल रहा है अभी, अब हमें सामान कैसे आ गए गाइस, हमने कर लिया है लाखों रुपए की शॉपिंग सिस्टर के चाले के लिए, मैं देखो मैं तुमसे एक बात कहनी है, मैं झूठ नहीं बोलूं, मैंने चोरी का नाम आया, मैंने ना ठस्से में चॉकलेट का डब्बा डाल दिया इसके अंदर, देखो ये रहा चलो अब शॉपिंग हो चुकी है, अपने अभी और करनी है, अब लाखों रुपए का सामान बिठा दिया मैंने, क्या करें अम्मी पैसे कैसे देना है, कैश करेंगे पेटीएम कैश भाई, चलो एक बात बता दो आराम से हो गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, पर अब सिस्टर यार अपने घर पे चले आएगी, चलेगा ये सबके काम आएगा, बस मेरे से काम करने की तैयारी, पता क्या कह रही है, ये वाला सरफ ले ले कपड़े बढ़िया धुलेंगे, अबे तो सही तो है तुम्हारी मशीन भी तो अच्छी है, ऑटोमेटिक मशीन उसमें सरफ डाल कपड़े डाल छुट्टी, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, बस अब बताओ नहीं तो मैं धो दिया करूंगा, चलो ये हिम्मत ये वाला साबुन ले ले बर्तन बढ़िया धुलेंगे, तो मम्मी सही तो सलाह दे रही हूँ, थोड़ी ना और सो दिलो भाई, सही अच्छी सलाह दे रही है, माँ बाप ही संभालते नहीं है, समझाते हैं अबे भैया मतलब, और सिस्टर का भी घर तुम ही संभालोगी, नौकरानी बना के नौकरानी इतना कीमती है, मैं से नौकर देख रहा नौकर रख बनवाओगे, नहीं मैं आ जाऊंगा पर नौकर नहीं बनने हुआ, मैं रहना आ जाऊंगा, अगर जबरदस्ती करोगी तो मेरे से थोड़ी जबरदस्ती करो, चिराग हाँ रोशनी हाँ आ जाऊंगा मैं, पर काम नहीं करूंगा मैं, चले जाऊंगा, बताओ डन करने डील, चलो ठीक, क्या क्या खिलाओगे मुझे डेली, उम्मुजी को तो खुद नहीं आता बनाने, वो मुझसे कहती तुम बना देना, नहीं भूखे रह लेंगे, नहीं होटल जिंदाबाद, भाई हमारी शॉपिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, सारे डन, अभी कुछ अब थोड़ा बहुत सामान भी नहीं चाहिए, सारा सामान खा लिया, अरे अभी मत खोल के खाओ, भी खिला देंगे, तो भाई अभी आ चुका है बिलिंग का टाइम, तो फटाफट से यहाँ से कराते हैं बिलिंग, जितना भी सामान है ना मैं कार की डिग्गी के अंदर रख रहा हूँ, अच्छा बैटरी रिक्शा नहीं लाया, कहाँ रखते बैटरी रिक्शा में, तो हम परेशान रहते हैं, एक अंकल ने कट्टा दे दिया था इतना बड़ा कट्टा, और जो भी ये सामान है ना छोटा मोटा सारे इस कट्टे के अंदर आएगा, मैं आपको दिखाऊं मेरे को सामान की मैंने फिटिंग दो कितनी प्यारा रहा है, हाँ जितना भी हो जो छोटा छोटा है ना वो तुम एक ही बार के अंदर कट्टे में डाल देना, सही है ना, और ये देखो अपनी कार भी पूरी खाली पड़ी है, तिरपाल बिछा दो अम्मी जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, तो चलो भाई अभी सारा सामान लगा देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको 2 मिनट में, ये देखो यहाँ पर मैंने बड़ी मुश्किल से अकेले भाई सारा काम करने पड़ा, पसीनों के मारे ना हालत खराब हो चुकी है, और आगे देखो एक इंसान और बिठा दिया है हमने, तो पूरा कट्टे में सामान रख के यहाँ पर लगा दिया है, और थोड़ा वो सामान था वो हमारा था चीज खाने का, तो वो मैंने आगे रख दिया है, अब अम्मी चलते हैं जल्दी से घर पर, लगा दो कुछ सामान आ रहा होगा, हाँ मुझे पता लग गई ये आ रहा है प्लास्टिक का, सिस्टर साथ शाम में जानने देने तो भड़ मार देती, शीशा चुराम चुरा रहता, थोड़ा सा नुकसान नहीं हो जाता, बिस्मिल्लाह ओहो चलो जी चलो, अरे मोहल्ला में एक दिक्कत है, तो यहाँ पर एसी नहीं चल रहा था, सिर्फ पंखे चल रहे थे, गर्मी के मारे हालत खराब हो गई, और पानी की सुविधा नहीं थी, पानी नहीं था,
अब घर पे आके एक एक बोतल लगाऊंगा और उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स करूंगा। अरे गर्म हो रहा होगा, अरे कद्दू पिया रहा बहुत, खोल रहा होगा। चलो गाइस अब चलते हैं घर पर, आपको मिलते हैं डायरेक्ट घर पर। देखो अभी आए थे यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर खड़े हैं और कह रहे हैं भाई पांचवी बार आऊँ तुम्हारे पास, तो पांचवी बार क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं मिला भाई, पहला आया तो आप थे ही नहीं हर बार। अच्छा और देख लो अभी तुम्हारे सामने आया हूँ ना, सामने आज तुम्हारे दो भाई हो रहे हूँ जैफा और मूसा, बस वो आज आ नहीं पाए, उन्हें भी लग रहा कि आज भी नहीं मिलेंगे। चलो कोई नहीं, आज तो मिले खुश ना, अब कल ब्लॉग में देख लेना अपना आपको। अब बोल देते हैं जल्दी जल्दी से कमेंट, क्योंकि मुझे कहीं जाने का ट्रिप बन रही है हमारे दोस्तों के साथ, बहुत ही अच्छी ट्रिप बन रही है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगी कि हम उस ट्रिप पर गए या नहीं, अभी कैंसिल भी हो सकता है नहीं, वो नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगा आपको क्या सीन है। तो फर्स्ट कमेंट है बिलाल अंसारी, देखता हूँ भाई आप मेरा नाम लेते हो नहीं लेते। ओके बिलाल अंसारी, सुहाना काम आप बहुत अच्छे हो भाई, मेरी बहन आपको पसंद करती है बहुत ज्यादा, शुक्रिया। आयशा अंसारी भाई माशाल्लाह आप दोनों बहुत कॉमेडी करते हो, कौन कॉमेडी करता है दोनों, मतलब कौन, आपने पूरा नहीं बताया तो आप दोबारा बता देना पूरा। तो चलो आपका आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।